हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। सो इसका सबसे पहले फंक्शन रहेगा, द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। एंडोस्पर्म कंटेन्स फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंडोस्पर्म्स में क्या क्या होगा, फैट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगी, विच आर रिक्वायर्ड बाई एम्ब्रियो। जिसकी ज़रूरत किसको होगी, एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या करेगा, ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ले लेगा एंडोस्पर्म्स से। और कब लेगा ये, एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब सीड की जर्मिनेशन शुरू होगी तो ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को एंडोस्पर्म से ले लेगा। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स ओनली व्हेन जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, और ये कब शुरू होगी, जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देगा। इफ़ द फर्टिलाइजेशन फेल्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, नो एंडोस्पर्म विल फॉर्म्ड, तो कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के स्टार्टिंग स्टेजेस में क्या होगा, द एम्ब्रियो डज नॉट शो एनी स्पेसिफिसिटी फॉर द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कोई भी स्पेसिफिसिटी एंडोस्पर्म के लिए शो नहीं करेगा। कोकोनट मिल्क इज़ वेरी गुड न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म के लिए आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कोकोनट मिल्क का, और ये आपको एज एन एमसीक्यूज भी आ सकता है। बेस्ट न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म इज़ कोकोनट मिल्क। सो ये थे इसके फंक्शंस, एंडोस्पर्म के फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियो की। सो लेट्स स्टार्ट द एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज़ कॉल्ड जाइगोट और ओओस्पोर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो बनेगा उसको हम या तो जाइगोट बोलेंगे या ओओस्पोर बोलेंगे। यूजली जाइगोट डिवाइड्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन। अब पेन का मतलब है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यूजली जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एकदम से डिवाइड करेगा जब पेन की फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट रेस्ट फॉर अ पीरियड। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगा। देर आर नो फंडामेंटल डिफरेंसेज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। अगर आप देखें तो जो स्टार्टिंग की डेवलपमेंट होगी मोनोकोट्स और डाइकोट्स एम्ब्रियो की, तो उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, ज़्यादातर डिवीजन जो होगी ट्रांसवर्स होगी, या फिर कई बार क्या हो सकती है, ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है या ऑब्लिक। फ्रॉम द फर्स्ट टू, अब शुरू के दो सेल स्टेज से अगर हम बात करेंगे, टिल द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स, जब ऑर्गन की डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती। ये आप डायग्राम्स देख सकते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ डाइगोट एम्ब्रियो। इसमें हम एग्जांपल लेंगे क्रूसीफेरा टाइप का। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स, तो पहले डिवीजन जो होगी ट्रांसवर्स होगी, जिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसल सेल्स, जिससे बेसल सेल की फॉर्मेशन होगी। बेसल सेल्स डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड लेटर डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली। पहले ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनली, और ये क्या बना देगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रो एम्ब्रियो बना देगा ये। ईच ऑफ द टू टर्मिनल सेल्स नाउ डिवाइड बाय वर्टिकल वॉल। अब इसके क्या होगा, टू सेल स्टेज में ये टू टर्मिनल सेल्स जो होंगे अब ये डिवाइड कर जाएंगे, और ये एक स्टेज बना देंगे जिसको हम क्वाड्रेंट स्टेज बोलेंगे। टू सेल स्टेज से क्वाड्रेंट स्टेज बनेगी, और ये क्वाड्रेंट स्टेज जब ट्रांसवर्स डिवाइड करेगी तो ये ऑक्टेंट स्टेज बना देगी। ऑफ दिस ऑक्टेंट लोअर फोर सेल्स फॉर्म स्टेम टिप एंड कॉटिलीडोन्स एंड अपर फोर सेल फॉर्म्स हाइपोकोटाइल। अब ऑक्टेंट स्टेज में क्या होगा कि जो लोअर के फोर सेल्स होंगे वो स्टेम टिप बनाएंगे, और जो अपर के होंगे वो हाइपोकोटाइल बनाएंगे। ऑल दी एयर सेल्स अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन। अभी एयर सेल्स जो होंगे इसकी पेरिक्लिनल डिवीजन होगी, जो टू लेयर्स बनाएंगे, एक तो आउटर बनाएगा जिसको हम डर्मेटोजेंस बोलेंगे, और इनर लेयर ऑफ सेल्स बनाएगा ये। सो ये टू सेल स्टेज से क्वाड्रेंट स्टेज आएगी, क्वाड्रेंट स्टेज से ऑक्टेंट स्टेज आएगी। ऑक्टेंट स्टेज जो होंगे ये फोर सेल्स में डिवाइड होगा, अपर एंड लोअर। अपर हाइपोकोटाइल बनाएगा, और लोअर सेल्स ऑफ डर्मेटोजन डिवाइड्स एंटीक्लिनली। अब सेल्स डर्मेटोजेंस जो आउटर लेयर होगी वो एंटीक्लिनली डिवाइड करेंगे, और ये क्या बना देंगे, एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का एपिडर्मिस। वाइल द इनर सेल्स वाई फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द ग्राउंड मेरिस्टम। और इनर सेल्स जो होंगे वो ग्राउंड मेरिस्टम को बनाएगा,
एंड प्रोकैम्बियल सिस्टम ऑफ द हाइपोकोटाइल एंड कॉटिलीडॉन्स। सो ये जो आउटर लेयर होगी वो डर्मेटोजन्स की वो एंटीक्लिनली डिवाइड करेगी। तो ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन द बिगनिंग एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर। अब स्टार्टिंग में एम्ब्रियो जो होगा वो ग्लोबुलर होगा। विद द कंटिन्यूस ग्राउथ इट बिकम्स हार्ट शेप्ड। जैसे जैसे इसकी ग्राउथ होगी तो ये हार्ट शेप्ड बनेगा। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट द ओव्यूल बिकम कर्व लाइक हॉर्स शू। और इससे ज़्यादा जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो ये हॉर्स शू की तरह होगा। स्टार्टिंग में एम्ब्रियो ग्लोबुलर, जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये हार्ट शेप्ड, और उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी इसकी तो ये हॉर्स शू शेप्ड बनेगा। सो आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो की है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है एंड हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो की। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो। तो मोनोकोटलीडॉन्स एम्ब्रियो की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ कीप स्पॉटेड एंड थैंक यू सो मच।